हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आज करेंगे बेकिंग सोडा। और इससे पहले हमने किया था कॉमन सॉल्ट, आज करेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम, केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला NaHCl3, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ओके, तो ये जो बेकिंग सोडा है कैसे बनता है? बेकिंग सोडा कैसे बनता है कि ये कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसका? सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का आप समझते ही हैं, क्या क्या बोलते हैं इसको? ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं, आपको मालूम है। तो सोडियम क्लोराइड का कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्लियर, किसके साथ में? अमोनिया के साथ में एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब सोडियम क्लोराइड का ये सॉल्यूशन हो गया NaCl प्लस H2O ब्राइन सॉल्यूशन प्लस अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इससे क्या बनता है? बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को बनाने के लिए कौन कौन से हैं चाहिए? सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट का वाटर सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड हो या नॉर्मल सॉल्यूशन डाइल्यूट हो, अमोनिया और कार्बन। इनसे क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, और क्या अलग हो जाएगी? अमोनियम क्लोराइड। हमें सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा मिल गया, ये इससे प्रोड्यूस होता है। इसका जो प्रोडक्शन है इसी तरह से होता है, दो सॉल्ट्स बने, ये सॉल्ट्स हमारे काम का है। अच्छा ठीक है, अब इसकी हमें जो जो मेन है, तो बट आपके मेन जो सिलेबस है, मेन उन चीज़ों को कर लीजिए। मैं हालांकि एक्स्ट्रा चीज़ें भी कराती रहती हूँ जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है, जिससे आगे क्लासेस में आपको प्रॉब्लम। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है? वाइट कलर का क्रिस्टल, आपने देखा बेकिंग सोडा तो आपने देखा है, तो जो ये कैसा वाइट कलर का क्रिस्टल्स होता है जो, और जो है वाटर में क्या होता है? ये सॉल्युबल होता है, वाटर में ये सॉल्युबल, वाटर में ये एक तो वाइट कलर का ये क्रिस्टल, दूसरा क्या होता है? ये वाटर में सॉल्युबल होता है। दो प्रॉपर्टीज हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ये आपका माइल्ड और क्या होता है? नॉन कोरोसिव है। वैसे बेकिंग सोडा क्या है? बेस है ये। बेकिंग सोडा क्या है? बेस है। इसका जो नेचर है, बेसिक नेचर है इसका। बेकिंग सोडा है, बेस होता है, और ये क्या होता है? माइल्ड और नॉन कोरोसिव, क्लियर। अब थर्ड, फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड। अब फोर्थ प्रॉपर्टी करते हैं कि जब इसे हीट करते हैं, बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है? NaHCO3। जब हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो अलग होगी, सोडियम कार्बोनेट बन गया, और क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी अलग। क्या क्या चीज़ें जब इसको हम हीट करेंगे, या हीट लिख देते हैं, तो क्या सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अलग हो जाता है, ये बच जाती है सोडा ऐश, ये बच जाती है सोडा ऐश, इसको हम सोडा ऐश भी कहते हैं एक तरह से, क्लियर। तो ये वाला जो रिएक्शन है एक्चुअल में ब्रेड केक वगैरह वहां पर यही रिएक्शन होता है। हम लोग ब्रेड में, उनमें सब में हम बेकिंग सोडा डालते हैं, पकौड़ियों बनाने में डालते हैं, तो वो फ्लफी क्यों हो जाती है? कि जब वो हीट उसकी, जब वो बेसन में पड़ी हुई है उसको हमने हीट करा, हीट करने से क्या हुई? कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गई। इस कार्बन डाइऑक्साइड के होने के कारण ही इसमें फ्लफीनेस होता है, इस कारण होता है, क्लियर। अब हम एक थोड़ा बात करते हैं इसके अब यूजेस की। ये तो प्रॉपर्टीज हो गई कि वाइट कलर का है, क्रिस्टल फॉर्म में है, सॉल्यूबल है वाटर में, बेसिक नेचर में माइल्डली बेस होता है, ये हीट करते हैं तो ये अलग होती, हीटिंग का ये इफेक्ट होता है। अब हम इसकी बात करते हैं यूजेस की, कहाँ कहाँ यूज होता है। एक तो यूज देखिए, एंटा एसिड का काम करता है, एंटा एसिड का काम करता है कि यदि मिस एसिडिटी को रिमूव करने में, एसिडिटी को रिमूव करने में यूज होता है। एंटा एसिड का काम करता है एसिडिटी को रिमूव करने में।
जाता है। यदि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाए बेकिंग सोडा ले लेंगे तो एसिडिटी, आप देखा इनो पीते हैं तो इनो एक तरह से वही था, उसी का ही फॉर्म है ये। दूसरा इसका क्या है कि जो हमारे फूड के इंग्रेडिएंट, उसमें हमारा बहुत सी चीज़ें बनाते हैं वहाँ पर यूज होता है, उसमें आपके इंग्रेडिएंट हमारा ये। अच्छा फिर थर्ड हमारा क्या है, अच्छा अब पहले इसकी बात करते हैं फूड के इंग्रेडिएंट में कैसे है कि हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, वही मैंने बताया फ्लफी हो जाता है, सब वो फ्लफीनेस आ जाती है। तो इसके मेन ये यूजेज है, एक तो एंटी एसिड का काम करता है, मतलब कि इन जो है इसको आप इनडाइजेशन को ख़त्म करता है और फूड के उसमें ये वर्क करता है। एक है फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, ये इसके मेन इसके बेसिक यूजेज इसके लिए। तो अब पहले इसकी फूड की बात करते हैं फ्लफीनेस, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है। हम बेकिंग सोडा इसका हम लोग यूज करते हैं, बट कभी कभी आपने सुना होगा बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। वाई? क्योंकि बेकिंग सोडा क्या है, नेचर में बेसिक है ये। बेसिक होने के कारण क्या होता है, इसका टेस्ट कैसा होगा, बिटर होता है। तो यदि हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं ब्रेड में या केक बनाने में तो उसमें कड़वापन आ जाता है, थोड़ा सा टेस्ट उसका अजीब सा हो जाता है। जो लोग बनाते हैं वो उन्हें इस बात का पता होगा, उससे कड़वापन आ जाएगा। तो हम बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड, मतलब कि साइट्रिक एसिड, बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड, या उसको साइट्रिक एसिड भी कह सकते हैं, वैसे टार्ट्रिक एसिड भी यूज करते हैं, उसी का फॉर्म है बेकिंग सोडा और साइट्रिक एसिड। मैंने इसको आपको इजली याद हो जाएगा, बेकिंग सोडा टार्ट्रिक या साइट्रिक एसिड को यूज करते हैं तो उसमें खटास आ जाती है, सार्डनेस आ जाती है, क्योंकि जो एसिड्स क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, ये क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, और साइट्रिक एसिड तो पता ही है खट्टा ही होता है ये। तो ये और ये क्योंकि ऑर्गेनिक है तो इसलिए ये जो है ये आपको कोरोसिव भी नहीं होता। तो इसको मिलाकर के हम बनाते हैं बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर का हम लोग यूज करते हैं। अच्छा एक इसका एडवांटेज एक ये भी होता है कि जब जैसे खाने में इसका हम यूज कर रहे हैं तो ये क्योंकि एसिड है तो किसी भी कार्बोनेट के साथ में मिल करके वो क्या करेगा, एक तरह से अलग वो उस ये आपका न्यूट्रलाइजेशन बना रिएक्शन करेगा एक तरह से, और उसमें कड़वापन है या जो फ्लफीनेस बहुत ज़्यादा लाएगा। तो ये एक इसका मेन इसका रीज़न और आ जाता है कि साइट्रिक ये जो टार्ट्रिक एसिड मिलाने से इसमें ये थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब हम इसमें यहाँ पर बात करें कि होता क्या है एक्चुअल में, कि जो डो क्यों फूल जाता है, जब उसको हम डो को उसमें डालते हैं इसे तो क्या होता है रिएक्शन ये वाला हुआ। मैंने रिएक्शन अभी शायद लिखा था, नहीं लिखा, मैंने लिखा था रिएक्शन शायद, कि ये टार्ट्रिक एसिड के साथ जो भी है तो उसमें CO2 गैस निकलती है, इस CO2 गैस के कारण उसमें फ्लफीनेस आ जाती है और बिटर टेस्ट की जगह वहाँ पर उसका सार टेस्ट हो जाता है, जो कि मतलब वो ये टेस्ट एक थोड़ा सा काफ़ी बिटर टेस्ट कैसा होता है, एक तरह से काफ़ी प्लेजेंट सा टेस्ट होता है इसका, दोनों क्योंकि मिक्स है, पूरा खटास में नहीं रहेगा। अच्छा एक थोड़ा इसमें और एक चीज़ लर्न करनी है यहाँ पर, कि यदि बहुत टाइम तक दोनों ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, मतलब कि बेकिंग सोडा है प्लस टार्ट्रिक एसिड है, ये यदि बहुत टाइम तक ये यदि उसमें आपका बहुत टाइम तक रहे और ये ड्राई हो जाए, ड्राई होने पर फिर ये रिएक्शन नहीं, आपने देखा होगा हम कहते हैं केक बनाते हैं डालो और डालने के बाद एकदम ओवन में रख दो, क्योंकि जब वो ड्राइनेस उसमें आ जाती है तो उसमें एकदम से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो मतलब वो क्या होता है रिएक्शंस नहीं होता उसमें, तो वो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ काली कप करती हैं वाटर की प्रेजेंस में करती हैं। और हम एकदम से केक के लिए क्यों कहते हैं डाल के, क्योंकि कार्बन ये दोनों रिएक्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, उसमें वाटर मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगी तो वो गैस निकल ना जाए, इसलिए जब केक बनाना होता है तभी उसी समय कहते हैं तभी डालो और दो मिनट रख के एकदम उसको उसमें रख दीजिए, क्योंकि वो तो वाटर के संग में रिएक्शन हो जाएगा, एसिड बेस और ये सब मिल करके अगर रिएक्शन हो जाएगा तो उस पर कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी, क्योंकि एसिड प्लस कार्बोनेट ये मिलके क्या बनाते हैं, CO2 प्लस वाटर बनाते हैं और सॉल्ट बनाते हैं, यही बनाते हैं ना ये, और सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट कौन सा बनता है, बेकिंग, ये बेकिंग पाउडर बनता है, बेकिंग सोडा टार्ट्रिक एसिड क्या बनेगा, बेकिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड, ये
ये चीजें मिल जाती हैं साथ में, करेंगे गरम गरम करने से ये हो जाएगा इसमें, तो इसलिए हम कहते हैं। लेकिन बट बहुत टाइम तक ड्राई रहेगा तो रिएक्शन नहीं करते, कोई वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर कि ये फायर एक्सटिंग्विशर में कैसे काम करता है। देखिए ये कार्बोनेट है, आपने इसके एसिड की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट किसी की भी मेटल के होंगे, उनके साथ प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, ये बात मैंने आपको अभी भी बताई थी। तो यहाँ पे उसी का यूज़ करा गया। यहाँ पर एक ये बॉटल यहाँ पर है, इसमें हमने ये जार है, यहाँ नीचे हमने क्या लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन लिया, और यहाँ पे अलग उसमें ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 है, और यहाँ नोजल लगी हुई है। तो हम क्या करते हैं, जहाँ आग लगी होती है तो या तो नोजल को प्रेस करते हैं, आजकल पहले तो इन्वर्टेड करना पड़े, अब थोड़ा आजकल आने लगा नोजल प्रेस करने का, नोजल को प्रेस करते हैं, प्रेस करने से भी होता है तो एकदम से गैस बाहर को निकलती है, दोनों आपस में मिल जाते हैं। वैसे मोस्टली करते इसको इन्वर्टेड करते हैं, इन्वर्टेड करने पर एक्चुअल में हुआ क्या, दोनों की दोनों आपस में मिली प्लस H2SO4, क्या बना, सॉल्ट तो जो बनेगा बनेगा, साथ में CO2 गैस निकलेगी। ये CO2 गैस क्या होती है, बाहर एकदम तेजी से प्रेशर के साथ इसमें से निकलती है, और निकल करके जो फायर वाली प्लेस होती है उसके चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट सा बना देती है और ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देगी। सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई तो अंदर ये आग बुझ जाती है। एक्चुअल में हुआ क्या कि ये दोनों हैं, इन दोनों का रिएक्शन हुआ, इससे CO2 गैस बहुत तेजी से निकली, उसने फायर वाली प्लेस पे इसका ब्लैंकेट का काम कर दिया और सप्लाई उसकी रोक दी। तो इसमें बेकिंग सोडा में इतना ही करना है, एक तो उसका प्रोडक्शन आना चाहिए, इसके यूजेस आने चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी आनी चाहिए, और ये वाला डो वाला बहुत आ जाता है, और ये वाला जो इसमें आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए इसका कैसे रिएक्शन है।